हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो ये हम पेज नंबर 131 में आई थिंक आ गए हैं। 131 ये पेज नंबर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्राई दीज है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये ट्राई दीज आपके सामने है, इसको एक एक करके, दो क्वेश्चन है उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इस पे क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, यानी कि टोटल अमाउंट जो पे करना है एट द एंड ऑफ टू ईयर्स ऑन 2400 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये आपका एनुअली है, तो आपका मेन फॉर्मूला लग जाएगा जो फॉर्मूला से हमने पहले भी किया है। तो क्या है वो फॉर्मूला, अमाउंट, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको अमाउंट लिख सकते हैं और या फिर ए भी लिख सकते हैं एज ए इंडिकेशन, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर एन, एन यानी टोटल कितने साल के लिए है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के आपके हिसाब से आपका जो डाटा अगर पुट कर देंगे, सीधा सीधा आपका सोल्यूशन आ जाएगा या अमाउंट आ जाएगा जितना आपको पेमेंट करना है। तो निकालते हैं अभी, तो उस हिसाब से पी इज इक्वल टू 2400, ओके, पी इज इक्वल टू 2400। अभी आपका नेक्स्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, ये एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही होगा, फिर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर कितना 2, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 इयर्स दिया है, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा 100 इधर आके, ये 100 बनेगा 105, यानी कि आपका 2400 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21/20, ओके, टू द पावर हो जाएगा टू दी पावर 2। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हुए हम 21/20 को दो बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये फाइनली ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 105/100 टू दी पावर 2, ओके। तो यहाँ काट के हमने 21/20 कर लिया और इसको दो बार लिख दिया, तो स्क्वायर फिर हटा दिया। तो अभी इसको काट लेते हैं, जीरो जीरो के साथ इसके दो जीरो काट लेते हैं, फिर टू टू फोर हो गया, फोर के साथ इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ओके। 6 × 24 होता है तो 6 हो गया। अभी ये कितना है, 21/21 कितना होता है 441, उसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, 24 से 2, फिर 6 × 24 से 2 = 26, ओके। तो फाइनली इतना ही होता है 26, 26, 46, ठीक है, 26, 46, ये टोटल आपका अमाउंट जो आपको पे करना है फाइनली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सीधा कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला के हिसाब से आपको सारा अमाउंट को पुट करना है, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एट द एंड ऑफ वन ईयर, एट द एंड ऑफ वन ईयर ऑन रुपीज 1800 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू द पावर एन। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये क्वार्टरली दिया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्वार्टरली दिया है तो एन जो है, एन क्वार्टरली के हिसाब से वन ईयर का कितने बार हो जाएगा, कितने बार आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो एन यहाँ पे हो जाएगा आपका, एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और आर इज इक्वल टू कितना होगा, ये क्वार्टरली दिया है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये एनुअली है, 8% जो एनुअली है क्वार्टरली पे, वो हो जाएगा 8% डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 2%, ओके, और एन विल बी 4, ठीक है। तो अभी हम हिसाब में चलते हैं, तो हिसाब में क्या होगा, पी के ऊपर आपका हो जाएगा 1800, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, टू द पावर 4 हो जाएगा। अभी आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 51 आएगा, ये 100 2 हो जाएगा तो 51/50 आएगा, 51/50, ठीक है। तो इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे,
तो 1800 और मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 51/50 और ऐसे आप चार बार इसको करेंगे, कितना बार, तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ हम इसको चार बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, चार बार, ठीक है, 51/50 इसको चार बार हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आएगा, इसको अभी हमें हिसाब करके लिखना पड़ेगा। इसको अगर फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आएगा ₹1948.37, ओके। तो इतना फाइनली ये अमाउंट आएगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ वन ईयर, ओके। क्योंकि ये फोर क्वार्टर है वन ईयर के अंदर, इसीलिए आपने यहाँ पे फोर लिया एन के जगह पे, तो इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, यानी कि इसको हिसाब करने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा इस केस में, बट ये फाइनल आंसर है। सो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आइडियाज के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।